एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर में खाचो सिद्धिगंज सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण पिछले कई दिनों से हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सड़क का भूमि पूजन 8 जनवरी को क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। हाल ही में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हल्ला बोल प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे। मौके पर पहुंचकर सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदर्शनकारियों का हौसला वर्धन किया। गौरतलब है कि 15 वर्षों से खाचो सिद्धिगंज सड़क जर्जर हालत में है। जिम्मेदारों के आश्वासन के बाद भी निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सज्जन सिंह वर्मा ने मौके पर सड़क निर्माण के मुद्दे को उठाने के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं के हक में आवाज उठाते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। प्रश्न है आपका, धन्यवाद। जिन लोगों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया भाषण में शिवराज ने, वो बड़ी पैर पूजा करी उनकी और बड़ा महिमा मंडन किया भाषण में, हाथ उठा के लच्छेदार की आशा उषा कार्यकर्ता मेरी बहने, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा। आज इनकी हालत ये है कि आशा उषा कार्यकर्ता हमारी बहने जान हथेली पे लेके जो कोरोना से संक्रमित परिवार थे उनके बीच में गई अपनी बिना जान की परवाह किए बिना, उन्होंने कई लाखों लोगों का जीवन बचाया। आज शिवराज की बीजेपी की सरकार उन्हें दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंकने की तैयारी में है। आज कोरोना वॉरियर्स का यदि दर्जा दिया है तो उन लोगों को वैसी सुविधा देना चाहिए जो घोषणा कोरोना की गाइडलाइन में करी थी। इस मौके पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने हल्ला बोल प्रदर्शन को कवर करने के लिए आभार व्यक्त किया है। जावर से मृदुभाषी के लिए देवेंद्र भारेवा की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।